वेलकम बैक टू जी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो की सीरीज़। जी हाँ, इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस की 100% तैयारी, जो कि जीएस जो कि सभी परीक्षाएं, जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और सबसे लेंथी, सबसे बड़ा पार्ट, सबसे कठिन पार्ट यही होता है। क्योंकि माना जाता है कि जो जीएस का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है और उस ब्रॉड सिलेबस को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। इसी को ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियोस की सीरीज़ बनाई है। इस वीडियो की सीरीज़ में अगर आप इन सारी वीडियोस को देख लेते हैं आपकी 100% जीएस की तैयारी हो जाएगी। जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम अभी आपका ग्रुप डी का होने वाला है, आरपीएफ का एग्ज़ाम अभी आपका 17 अक्टूबर में है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है और पर्यवेक्षक का जो फॉर्म आया है, ये तीनों एक साथ जो एग्ज़ाम हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी 17 अक्टूबर में है, इवन देन एमटीएस है, सीएचएसएल है, लेखपाल की वैकेंसीज अभी जस्ट आने वाली हैं तो उसके एग्ज़ाम्स हैं और जितनी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो उन सब की तैयारी के लिए जो जीएस का मटेरियल है, जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लेंथी होता है, उसका 100% सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेके आए हैं। पूरे अच्छे से इंटरेस्टेड वे में आपको इन वीडियोज़ में अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, जिससे कि आप जीएस को 100% सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, बट इसके लिए एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि जीएस के ये पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स हैं, अगर आपको ये पार्ट्स सीरीज़ में चाहिए, क्योंकि इसको सीरीज़ में देखने से ही बेनिफिट होगा। अगर आप सीरीज़ मिस कर देते हैं, सिर्फ फर्स्ट के बाद सेकंड ना करके थर्ड सीरीज़ कर देते हैं, तो सिक्वेंस मिसमैच हो जाएगा। तो सिक्वेंस मैच करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज बनाई गई है, सारे कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो ये पार्ट जो है वो सीरीज़ में होना बिल्कुल अनिवार्य है। उस केस के लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को दबा देते हैं, तो उस केस में ये होगा कि जब भी आपका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड होगा, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि ये वीडियो आ गया है और आप तुरंत उस वीडियो को भी देख पाएंगे और बिल्कुल सिक्वेंशली आपको ये वीडियोज़ मिल पाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को बेल आइकन को दबा देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अदरवाइज़ उसकी कोई एसेंशलिटी नहीं है। एंड शेयर अगर आपको लगे अच्छा है, अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन वीडियो की सीरीज़ को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जीएस में सबसे पहले हिस्ट्री आती है, इतिहास आता है, और इतिहास में भी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं लेके आए हैं। अगर इन क्वेश्चंस की तैयारी हो जाती है, इनसे क्वेश्चन से संबंधित आगे पीछे का जो मटेरियल तैयार हो जाता है, तो 100% जीएस इस टॉपिक की पूरी तैयार हो जाएगी अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट आउट है, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता तथा प्रथम नगरी क्रांति आदि, सभी जितने भी ये नाम हैं, ये सारे नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही जाने जाते हैं। क्वेश्चंस किसी भी नाम पे आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट जो है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लंबे वैधवन पूर्ण कर्नाटक का प्रारंभिक बिंदु है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की एक बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता को डिनोट करती है, शो कर रही है यहाँ पे। और ये 20वीं सदी में भी एक आश्चर्य का कारण है कि उस समय इतना एडवांसमेंट हुआ करता था। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्ट तो ये है यहाँ पे कि ये जो है पुरातत्व विभाग महानिदेशक जो थे दयाराम सानी जी, उन्होंने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पे खुदाई की। उसके बाद से राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई की। और इन दोनों स्थानों की खुदाई के नाम के चलते, चूँकि एक ही नदी सिंधु घाटी के नदी के किनारे दोनों स्थान की खुदाई की गई, तो इसलिए इसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इस और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में, जैसे अब सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सभ्यता है, इसके अलावा मिस्र में, मेसोपोटामिया में, सुमेर में और क्रीट में भी सभ्यताएं पाई गई हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ही प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके प्रश्न जो इम्पोर्टेंट, जैसे एसएससी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आए हैं इससे रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? यहाँ देखिए, कांस्य युग से संबंधित है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। दूसरा पॉइंट, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? गुजरात के किस स्थान पर? देखिएगा,
एक्चुअली इसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो डिटेल में इंडिया के मैप में अगर देखें हम तो इंडिया के मैप में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का कुछ एरिया पकड़े हुए भारत का पंजाब और पंजाब होते हुए गुजरात तक आई हुई है, और गुजरात इसके बाद से अगर उत्तर की तरफ बढ़े तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ तक भी आई हुई है। तो उसमें पूछा गया कि गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो गुजरात में एक बंदरगाह था लोथल, तो लोथल के किनारे जब खुदाई हुई है तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखिए यहाँ पे कई प्रश्न आपके क्लियर हो गए। ये भी पूछा जा सकता है कि लोथल जो है लोथल क्या था, तो लोथल एक बंदरगाह था और कहाँ पे था ये, गुजरात में। इसके किनारे किस नगर की खोज की गई है, हड़प्पा नगर की, हड़प्पा नगर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे। देखिए ये माना जाता है कि पहले द्रविड़ जाति के लोग इंडिया में थे, मूल निवासी वही यहाँ के हैं, उसके बाद से आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया मध्य एशिया के निवासी थे और वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, पशुओं को चारागाह जहाँ रहता था वहाँ पे वो रहते थे और वहाँ से जैसे ही चारा खत्म होता था फिर आगे वो चले जाते थे। तो इसी तरह से सेंट्रल एशिया से वो चारागाह की खोज में भारत में आए थे और भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में एंटर किए थे। इसका आंसर होगा भारत में आर्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी में आए, और संभवतः यही माना जाता है कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच और आर्यों के बीच युद्ध हुआ जिससे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने का एक कारण बताया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई। तो एक्चुअली देखिए जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक तरह से बहुत ही विकसित सभ्यता थी, वहाँ पे माप और तौल के लिए विभिन्न प्रकार के पैमाने प्रयोग किए गए, जैसे वहाँ पे हड्डी का बना हुआ माप का पैमाना मिला है और कुछ बाट के पैमाने भी मिले हैं। तो ये जो खोजें हुई हैं ये हड़प्पा नगर में खोजें हुई हैं, हड़प्पा जगह पे। और एक मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो तक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, तो वहाँ भी बहुत से अवशेष मिले। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। देखिए ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी वहाँ पे ईंटें मिली हैं अच्छी बनाई, मनुष्य द्वारा बनाई गई ईंटें प्राप्त हुई हैं, वहाँ पर कृत्रिम ईंटें मिली हैं, तो ये एकमात्र सिंधु स्थल में कहाँ मिली हैं, तो ये लोथल जगह पे ही मिली हैं। तो लोथल यहाँ पर देखिएगा, लोथल एक ऐसा स्थल रहा है जो गुजरात में है और वहाँ वो एक बंदरगाह भी रहा है, वहाँ पे आपका कृत्रिम ईंटें भी मिली हैं। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था, तो एक्चुअली देखिए लोथल नामक जो स्थान था वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक बंदरगाह था जो गुजरात में था, जहाजी माल घाट था, इन जहाज वहाँ रुकते थे और वहाँ पे सामान उतर रहता था, उसे बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता में बहुत सी विशेषताएँ वो वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन में सर्च करना होगा, ऑप्शन में ऑप्शन है व्यवस्थित शहरी जीवन, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यवस्थित शहरी जीवन व्यतीत करते थे, माप तौल की इकाई थी, उनके घर अच्छे से बने हुए थे, ग्रिड पद्धति वहाँ पे अपनाई गई थी, मानचित्र के अनुसार घर बनाए गए थे, सब कुछ प्लानिंग से था। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान बनाते थे पक्की ईंट से। ये यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इतनी पुरानी सभ्यता में भी पक्की ईंटें बनती थी और उसके मकान बनते थे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया गया था, टेराकोटा। देखिए हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थी तो मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया था, टेराकोटा जो है वो एक्चुअली जो मिट्टी के बर्तन हैं उन्हें भी टेराकोटा कहा जाता है, और उससे मुद्राएँ भी उस समय की बनाई जाती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने अभी देखे, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चंस। एक्चुअली यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा ना हो, बहुत लंबी ना हो, आप नेट पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो जिससे कि आसानी से ये खुल जाए, आपके पास अगर 2G कनेक्शन भी तो भी आप पढ़ पाएँ, इसलिए वीडियो की सीरीज़ को काफ़ी छोटा छोटा हम लेके आ रहे हैं, और इस छोटे वीडियो से आप अच्छे से शॉर्ट में तैयारी कर पाएँ, इसलिए वीडियोज़ की जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी रख रहे हैं। आगे के जो वीडियोज़ हैं थोड़े लंबे होंगे और उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए,
सेकंड जो अपलोड इसका जो सेकंड पार्ट अपलोड होगा जस्ट आपके लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट डाउनलोड हो जाएगा या दिख जाएगा आपको कि आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, इनकी रिवीजन के लिए आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए। 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो सिल्वी गड्डी सभ्यता से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से इन सीरीज़ के द्वारा आप बिल्कुल 100% अच्छे से जीएस की तैयारी कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड वेट हियर फॉर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो। एंड यहाँ पे देखिएगा जो भी जी स्टडी का जो चैनल है, इस चैनल पे आपको एवरीथिंग सब कुछ जीएस के वीडियोस मिलेंगे पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ और सीरीज वाइज मैथ्स के वीडियो मिलेंगे। मैथ्स भी बिल्कुल सीरीज चैप्टर वाइज आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस कराए गए हैं उसका सॉल्यूशन और आपको शीट भी इसमें मिलेगी जिसकी आपको तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग वीडियोज़ भी चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, इंग्लिश वीडियो भी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो सारे जितने भी आपके जो 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, किसी भी परीक्षाओं के लिए, वो हर तरह की तैयारी का मटेरियल आपको यहाँ पे उपलब्ध है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस तरह का बटन जो आपको दिख रहा है आपके इस यूट्यूब चैनल के नीचे, वहाँ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब बस क्लिक कर देना और ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकेंड्स में सब्सक्राइब हो जाएगा। उसमें कोई आपकी चार्जेस नहीं लगेंगे। एंड बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं तो उस केस में आप जितने भी हमारे एक्सपोर्ट वीडियोस लोड होते हैं वो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी बढ़िया से कर पाएंगे। सो जस्ट आई एम रिक्वेस्ट टू यू अगेन दैट सब्सक्राइब द चैनल नाउ फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस। एंड इफ़ एनी क्वेरी इन योर माइंड, अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी आती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, सो देर इज़ अ नंबर ऑल्सो अवेलेबल, कॉल कर सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अगर आपके पास कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं किसी और स्पेशल टॉपिक वीडियो बनाया जाए या फिर आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट करके भी बोल सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनकी भी तैयारी हो पाए। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड वेट सम टाइम फॉर योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।